हेलो एवरीवन, वेलकम टू राधे टेक वर्ल्ड। दिस इज राखी सिन्हा हियर। आज हम पढ़ेंगे फाइल्स क्या है और फाइल एक्सटेंशन क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फाइल्स है क्या। फाइल्स एक कलेक्शन है इन्फॉर्मेशन का और डाटा का, जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं और डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। जितने भी फाइल्स हम क्रिएट करते हैं, वो सारे फाइल्स का एक यूनिक आइकन बनता है, जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फाइल किस टाइप का है। जब भी कोई भी फाइल हम क्रिएट करते हैं, तो उस फाइल का हम एक नेम देते हैं, जिसे हम फाइल नेम कहते हैं। फाइल नेम को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट नेम इज प्राइमरी नेम एंड सेकेंड नेम इज सेकेंडरी नेम। उसे यूजर जब भी फाइल को क्रिएट करता है, तो यूजर खुद ही उस फाइल का नेम सेव करता है, इसे हम कहते हैं प्राइमरी नेम। उसके बाद जो सेकेंडरी नेम है, वो जिस एप्लीकेशन में यूजर वर्क कर रहा है या प्रोग्राम में वर्क कर रहा है, तो प्रोग्राम उसको एक नाम देता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी नेम, और इसी सेकेंडरी नेम को हम एक्सटेंशन कोड कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर, मान लीजिए आप अगर वर्ड के फाइल पे काम कर रहे हैं, आपने मान लीजिए फाइल कोई क्रिएट किया और उस फाइल को सेव किया आयुष के नाम से, तो उस फाइल को जब आप सेव करते हैं, तो ये हो गया आयुष, आपका हो गया प्राइमरी नेम। डॉट के बाद जो आपका नेम है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन कोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइल एक्सटेंशन .apk। सबके पास आप देखते हैं एक एंड्रॉइड मोबाइल होता है, इस एंड्रॉइड मोबाइल का भी एक्सटेंशन कोड है .apk, .doc माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन XML डॉक्यूमेंट। 2007 के बाद जो भी वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, उसके आगे एक्सटेंशन के आगे .doc के आगे X लगा, तो ये भी एक एक्सटेंशन कोड है। 2007 के फाइल, जो भी हम फाइल क्रिएट कर रहे हैं वर्ड में, उसका एक्सटेंशन कोड है .docx, और इससे पहले जितने भी फाइल थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, उसका एक्सटेंशन है .doc। तो अगर आपके पास वर्जन पुराना है, 2007 से पुराना, तो उसका एक्सटेंशन कोड होगा .doc। नेक्स्ट है .txt प्लेन टेक्स्ट फाइल। नेक्स्ट है .pps माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो। नेक्स्ट है .ppt माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है .pptx, ये भी उसी टाइप से, अगर आपके पास न्यू वर्जन है पावर पॉइंट का, तो उसमें भी .pptx एक्सटेंशन कोड होगा, और अगर आपके पास पुराना वर्जन है, तो .ppt एक्सटेंशन कोड होगा। नेक्स्ट है XLS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। उसके बाद है नेक्स्ट XLS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन XML डॉक्यूमेंट, ये भी उसी टाइप से है, अगर आपके पास न्यू वर्जन है 2007 के बाद, तो उसमें भी जब आप एक्सेल की कोई भी फाइल क्रिएट करेंगे, तो उसका एक्सटेंशन कोड होगा .xlsx। नेक्स्ट है .dbf डेटाबेस फाइल। नेक्स्ट है .mp3 mp3 ऑडियो फाइल, .dat डाटा फाइल, .flav फ्लैश वीडियो फाइल, .avi ऑडियो वीडियो इंटरलीव फाइल, .gif ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट फाइल। नेक्स्ट है .html हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस टाइप के जो भी फाइल होते हैं, वो वेब पेज पे क्रिएट किए जाते हैं। .exe विंडोज एग्जीक्यूटिवल फाइल, जब भी प्रोग्राम रन करते हैं तो विंडोज एग्जीक्यूटिवल फाइल होता है। .bmp बिटमैप ग्राफिक फाइल, जो भी आपका पिक्चर फाइल बनता है, उसे ही हम, उसका एक्सटेंशन कोड होता है .bmp। .jpg jpg ग्राफिक फाइल। नेक्स्ट है .jpeg jpg ग्राफिक फाइल्स, jpg का फुल फॉर्म हो गया ज्वाइंट फोटोग्राफिक एस्पेक्ट ग्रुप। .zip जिप्ड फाइल, जब भी कोई फाइल आप बहुत बड़ा बनाते हैं और उसे मेल में अगर आपको भेजना होता है या ट्रांसफर करना होता है, तो उतनी बड़ी फाइल आपके मेल में जाती नहीं, उस टाइम आप फाइल को कंप्रेस करते हैं, तो जब वो फाइल को कंप्रेस करते हैं, तो वो उस फाइल का जो एक्सटेंशन कोड होता है, तो वो होता है .zip मीन्स जिप फाइल, वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाता है। .temp टेम्पररी फाइल। तो इस टाइप से आपको पता चल गया कि हम जो भी फाइल क्रिएट करते हैं, उसका एक एक्सटेंशन कोड होता है, और उसी एक्सटेंशन कोड से हम फाइल को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय।